एक साधक के कुछ प्रश्न हैं। मन बुद्धि का समर्पण कैसे करें, महापुरुष की बुद्धि में बुद्धि कैसे जोड़ें। इन प्रश्नों का उत्तर तो बहुत बार दिया जा चुका है, और मन बुद्धि समर्पण करने का अभ्यास सभी मनुष्यों को है, क्योंकि संसार में इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। हम लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, कोई लैंग्वेज, तो हमको टीचर ने एक शकल बना कर दी बोर्ड पर और कहा, बच्चों इसका नाम है का, ए अलिफ, और इसकी शकल ऐसे होती है जैसे मैंने बनाया है बोर्ड पर। सब लोग ऐसी शक्ल बनाओ और जैसे मैं बोल रहा हूं का, ऐसे ही बोलो। तो हमने चुपचाप मान लिया। एक बच्चे ने भी ये नहीं क्वेश्चन किया, इसको का क्यों कहते हैं और ये का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है। यानी मन बुद्धि का सरेंडर कर दिया। और बड़े होते चले गए, बीए एमए कर लिए, कभी नहीं पूछा टीचर और प्रोफेसर से कि ये का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, इसको का क्यों कहते हैं, ये नाइफ में पहले क्यों लिखते हो के, जब बोलना नहीं है तो लिखते क्यों हो, इतने सारे साइलेंट क्यों है इंग्लिश में, कभी ए को ई बोलते हो, ई को ए बोलते हो, सब उल्टा पलटा है, क्या है, कभी नहीं पूछा, शरणागत हो रहे। इतने हॉस्पिटल है सारी दुनिया में और उसमें लाखों करोड़ों पेशेंट जाते हैं इलाज कराने, डॉक्टर ने जैसे कहा एक बूंद दवा लेना, एक चम्मच पानी में डालकर तीन बार पीना, मन बुद्धि का सरेंडर कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं इतना बड़ा शरीरधारी, एक बूंद दवा से क्या होगा, ये किसी ने नहीं पूछा, सबने डॉक्टर की बात मान ली 100%। देखो वर्तमान काल में इतना डुप्लीकेट गलत दवाएं बन रही हैं, लेकिन सब अपना दवा लेके जो लिखा है शीशी में खा रहे, मरे चाहे जिए, सबके मन बुद्धि की शरणागति है। ये अरबों का कारोबार हो रहा है बैंक में, हम उस छेद से 1,01,00,000 दे देते हैं कि बाबूजी रसीद बना दो, और वो बना रहा है आराम से, अपना गिन रहा है, और हमको विश्वास है बना देगा।
अगर हम कहें क्यों जी तुम रुपया कहीं कम बताओ, पहले रसीद दो, और वो कहे पहले रुपया दो जी, मैं रसीद दूं, तुम लेके चलते बनो, तो संसार में कोई काम ही नहीं होगा। हर जगह हम विश्वास करते हैं, किसी बेटे ने ये क्वेश्चन किया अपने बाप से कि तुम हमारे बाप हो, क्या सबूत है, मैं कैसे मान लूं? कहीं मेरी मां कैरेक्टर लेस हो गई हो? प्रूफ दो। वो बाप बेचारा क्या प्रूफ देगा। मैं कहता हूं, बस कहता हूं। अरे आप तो हजारों झूठ बोलते रहते, एक झूठ ये भी हो सकती है? नहीं, हम सब लोग मानते हैं, पक्का मानते हैं, बाप खराब है अच्छा है वो अलग बात है, है बाप, है ये हमारी माँ। अरे बाप को छोड़ो, माँ तो कम से कम वही है जो असली है, लेकिन हमको तो नहीं पता, हमें कोई याद है क्या हम जब माँ के पेट में थे? अरे कोई बतावे कि हाँ हमको याद है जब हम उल्टे टंगे थे तो, या पैदा होते समय वाली हमारी अवस्था क्या थी वो हमको याद है? अरे साल दो साल चार साल की उम्र की भी कोई पता नहीं है हमको। सब जगह हम मानते जा रहे हैं, तो ऐसे ही ये तो प्रत्यक्ष जगत की बात मैं बता रहा हूं, और जो परोक्ष जगत की बात है भगवान के एरिया की, उसका तो हमको अनुभव नहीं है। तो बिना मन बुद्धि के सरेंडर किए हम एक कदम नहीं चल सकते। जैसे मान लो हम किसी को गाली देते हैं तो पहले गुस्सा आता है, और झापड़ लगाते हैं तो बड़े ज्यादा गुस्से में जब होते हैं तब लगाते हैं, और मर्डर करते हैं तो गुस्से की पराकाष्ठा जब हो जाती है, फांसी हो जाए भले। हाँ, लेकिन उस एरिया में तो और बात है, हजारों मर्डर करने वाला महापुरुष बिना गुस्से के है। ये अर्जुन है, ये हनुमान जी है, लंका जला दिया, गुस्से का नाम नहीं है उनके पास, तो वो तो माया से परे है। भगवान शंकर के अवतार हैं हनुमान जी, और इतिहास में तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सनकादिकों ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया गुस्से में, ये बड़े बड़े भगवान भी गुस्सा करते हैं। वो चक्र लेकर श्री कृष्ण दौड़े भीष्म पितामह को मारने, दांत दबा के सीना तान के भाव तान के, भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया झांकी है, यानी गुस्से की एक्टिंग, क्या पिक्चर वाले कोई कर सकते हैं ऐसा? अंदर नहीं है और बाहर क्रिया हो रही है, काम रहित है बच्चे हो रहे हैं, लोभ रहित है करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं सारी पृथ्वी के, ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश
बड़े बड़े महापुरुषों के दादा। तो ये सब चीजें जब तक हम समझेंगे नहीं और भगवान से प्रेम करने चलेंगे तो ये हमको वापस अपने एरिया में पहुंचा देंगे। वही ये श्री कृष्ण भगवान भगवान नहीं है, ये तो देखो तो 16108 ब्याह कर रहे हैं, ये माँ के लिए रो रहे हैं गोद के लिए, ऐसे थोड़े होते भगवान। भगवान तो आनंद स्वरूप होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, ये तो रोटी के लिए रो रहे हैं, मक्खन के लिए रो रहे हैं, गोद के लिए रो रहे हैं, बाकायदा रो रहे हैं, आंसू बहा के। पिक्चर वाले तो खाली एक्टिंग करते हैं, यहां तो फैक्ट सा हो रहा है बिल्कुल। बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो गए अवतार काल में या महापुरुषों के काल में, जब वो चले गए तो हरे राम राम राम, हो तुलसीदास जी महापुरुष थे, सूरदास जी महापुरुष थे, और जब सूरदास यहाँ थे अब वो कीर्तन करते थे वृंदावन में, हम लोग देखते थे ये देखो ये बेस्यागामी गुंडा आजकल राधे राधे कर रहा, हम लोगों ने यूं कहा था, अरे एक दिन गुंडा था अब तो महापुरुष हो गया, अरे जय जी क्या महापुरुष हो जाएगा कोई बेस्यागामी। हम नहीं समझ सकते जब तक हम उस क्लास में न जाएं। इस पॉइंट पर ध्यान दो, जब तक हम उस क्लास में न जाएं नहीं समझ सकते। छोड़िए बड़ी बड़ी बात, हम आपको गधे की अकल से समझाते हैं। एक 4-5 बरस का बच्चा है, कई बच्चे बैठे मीटिंग करने लगे, क्यों जी हमको पापा भी कहते हैं बेटा और मम्मी भी कहती हैं बेटा, तो हम दोनों के बेटे कैसे हैं, किसी एक के बेटे होंगे। सब बच्चे मीटिंग कर रहे हैं, ने कहा हाँ चलो आज पापा मम्मी से पूछेंगे, गए अपने अपने पापा से पूछे, पापा हमको आप बेटा कहते हैं, हाँ हाँ है बेटा तो कहते हैं, क्या हुआ, मम्मी भी कहती हैं बेटा, हाँ उनका भी बेटा है, ऐसा कैसे। अब बाप क्या बोलेगा, बोले कोई फिलोसफर का बाप हो समझा दे उस बच्चे को, क्योंकि वो काम दोष से रहित है, कैसे समझाएगा। शब्द बोलने से समझ में नहीं आ सकता, नीम के कीड़े को रसगुल्ले के स्वाद का आइडिया कैसे दोगे, वो तो मीठी चीज कभी खाई नहीं। बेटा जब बड़ा हो जाएगा ना तो समझ जाएगा, क्या बड़ा हो जाएगा, क्यों नहीं समझ सकते, आपको समझाना नहीं आता, अच्छा ठीक है बाबा नहीं आता जा। वो अपनी बीबी की तरफ देख कर पापा हंसता है, देखो बेवकूफ को क्या क्वेश्चन करता है, अब इसको मैं कैसे समझाऊं। तो ऐसे ही भगवान के एरिया की अलौकिक बुद्धि से परे वाली बात हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको अनुभव नहीं है, हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए हम उसको मानते नहीं हैं अपने स्टैंडर्ड से। तो जब हम ये समझ लें फिलॉसफी में कि उस क्लास में ऐसा होता है, देखो आज की साइंस के अनुसार
लोग जाते हैं आकाश को उड़ करके और आकाश में चलते हैं, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले कोई कहता कि लोग आसमान में चल सकते हैं? बेवकूफ, आसमान में चल सकते हैं? आसमान में कैसे चलेंगे? अरे जरा एक पेड़ से कूद तो चलेगा आकाश में। अब आजकल आप लोग, हाँ जी, वो एक ऐसा एरिया है कि उस ऊंचाई पर जाने के बाद फिर आकाश में आप चल सकते हैं, अब आप मानने लगे। तो ऐसे ही भगवान के एरिया की बातें उस क्लास में जाने पर प्रैक्टिकल अनुभव में आएगा, उसके पहले मानना पड़ेगा। मानो आज के वैज्ञानिक क्या करते हैं, पिछले वैज्ञानिकों की बात मानकर आगे चलते हैं। अगर पिछले वैज्ञानिकों की बात न माने और फिर से शुरू करें वो, तो हमेशा वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। इसी का नाम है महापुरुष की बुद्धि में बुद्धि जोड़ना।